हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई राइन दोस्तों, और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज भक्ति और सूफी आंदोलन का पार्ट 6 है दोस्तों। भक्ति और सूफी आंदोलन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन का पार्ट 6 है दोस्तों। तो दोस्तों हम किसके बारे में पढ़े थे, संप्रदाय मतलब सिलसिले के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, परंतु वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम चिश्ती संप्रदाय के दोस्तों जो संत हैं, जो संत दोस्तों उनके बारे में पढ़ रहे थे, तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो अब आगे देख लेते हैं चिश्ती संप्रदाय के आगे और जो संत है उनके बारे में। तो वीडियो को शुरू से रात जरूर देखे, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें और अपने दोस्तों पास जरूर शेयर करें। तो बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम भक्ति और सूफी आंदोलन में दोस्तों हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें से दोस्तों सिलसिले में पढ़ रहे थे, और सिलसिले में हम चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हम चिश्ती संप्रदाय में दोस्तों हम दोस्तों जो संत है उनके बारे में देख रहे थे। तो आज के वीडियो का पहले संत है शेख फरीद, इन्हें हम बाबा फरीद भी कह सकते हैं, दोनों ही इनके नाम है, शेख फरीद या बाबा फरीद दोस्तों। बलबन बाबा फरीद का सम्मान करता था। जो बलबन था दोस्तों वह बाबा फरीद का सम्मान करता था, बहुत ज्यादा सम्मान करता था। इसका शेख फरीद का सम्मान करता था बलबन। तो जो बाबा फरीद थे इन्होंने अपने खान का है दोस्तों अजोधन को बनाए, जो कि पंजाब में है। किसे बनाए अपने खान का है, अजोधन को दोस्तों, जो कि पंजाब में है। अजोधन को अपने खान का है रूप में इन्होंने स्थापित किया, तो समझ में आ गया। और गुरु नानक, जो गुरु नानक जी थे ये बाबा फरीद से प्रभावित थे, कहते प्रभावित थे। किससे, बाबा फरीद मतलब कि शेख फरीद से गुरु नानक जी प्रभावित थे। और बाबा फरीद के उपदेशों का संग्रह दोस्तों कहाँ मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। कहाँ है दोस्तों, बाबा फरीद के जो उपदेश है उनका संग्रह दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। और उपदेशों की भाषा थी पंजाबी, कौन सी थी, पंजाबी। उन्होंने दोस्तों बाबा फरीद ने दोस्तों जो भी उपदेश लिखे है ना वो पंजाबी भाषा में लिखे थे, कौन सी भाषा में लिखे थे दोस्तों, पंजाबी भाषा में लिखे थे। और बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य था निजामुद्दीन औलिया, यह बाबा फरीद का एकमात्र प्रमुख शिष्य था। तो समझ में आगे, शेख फरीद मतलब बाबा फरीद, बलबन बाबा फरीद का सम्मान करता था, और इनके खान का है अजोधन में थी पंजाब में। गुरु नानक जी बाबा फरीद से प्रभावित थे दोस्तों, और बाबा फरीद के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनकी भाषा है पंजाबी, और प्रमुख शिष्य इनके निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों अब जो इनके शिष्य है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के जो शिष्य है शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके बारे में देख लेते हैं। आगे दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इनका जन्म बदायूं यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदायूं यूपी में इनका जन्म हुआ था शेख निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों। और दिल्ली को इन्होंने अपनी खानकाह के रूप में स्थापित किया, किसको, दिल्ली को इन्होंने अपनी खानकाह के रूप में स्थापित किया। और इनके गुरु का नाम था शेख फरीद, कौन थे इनके गुरु, शेख फरीद इनके गुरु थे। शेख फरीद को हम बाबा फरीद भी कहते हैं दोस्तों। तो इनके गुरु का नाम क्या है, शेख फरीद। और ये दिल्ली के सात सुल्तानों का कार्यकाल देखा इन्होंने, क्या देखा दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया जी ने दोस्तों दिल्ली के सात सुल्तानों का कार्यकाल
देखा। अब बात आती है शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधियां। तो पहली उपाधि मिली थी इन्हें महबूबे इलाही की। इसकी महबूबे इलाही की इन्हें उपाधि दी गई थी। महबूब ए इलाही का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर का प्रेमी। समझ में आ गया, इन्हें उपाधि दी गई थी महबूबे इलाही की। दूसरी उपाधि दी गई थी इन्हें सुल्तानुल औलिया। क्या दी गई थी? सुल्तानुल औलिया इन्हें उपाधि दी गई थी। सुल्तानुल औलिया का मतलब होता है संतों का राजा। क्या? संतों का राजा। तो संतों का राजा कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इन्हें उपाधि दी गई थी सुल्तानुल औलिया की। और तीसरी उपाधि योगी सिद्धि। कौन सी उपाधि दी गई थी? योगी सिद्धि। तो ये तीन उपाधियां दी गई थी तो शेख निजामुद्दीन औलिया जी को, महबूबे इलाही की, सुल्तानुल औलिया की और योगी सिद्धि की। समझ में आ गया। अब दोस्तों जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही है। क्या कहा? हनुज दिल्ली दूर अस्ति। क्या कहा? हनुज दिल्ली दूर अस्ति। हनुज दिल्ली दूर अस्ति का मतलब होता है दोस्तों कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है। ऐसा निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो समझ में आ गया। ये थी हमारे शेख निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में जानकारी। इनका जन्म बताई यूपी में हुआ, खानकाह है दिल्ली और गुरु शेख फरीद दिल्ली में शाह सुल्तानों को कार्यकाल देखा इन्होंने। उपाधि दी गई थी महबूबे इलाही, सुल्तानुल औलिया, योगी सिद्धि और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो आपको समझ में आ गया होगा शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। आगे दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य। तो इनके दोस्तों चार शिष्य हैं, अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दोस्तों और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। ये चार शिष्य हैं दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया जी के। अमीर खुसरो दूसरा है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ? दक्षिण भारत में दोस्तों चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। और इनका केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों इनका केंद्र दौलताबाद में था। कहाँ था इनका केंद्र? दौलताबाद में था। किसका? शेख बुरहानुद्दीन गरीब का। और ये दक्षिण भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी, तो इनका केंद्र था दिल्ली। कहाँ था इनका केंद्र? था दिल्ली। किसका? नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी का दोस्तों केंद्र था दिल्ली। चौथा और लास्ट है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, तो इनका केंद्र था बंगाल। क्या था? बंगाल इनका केंद्र था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे शेख निजामुद्दीन औलिया के चार शिष्य, अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और नासिरुद्दीन चिराग़ देहलवी, इनका केंद्र दिल्ली था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का केंद्र बंगाल था दोस्तों। तो ये थे हमारे शेख निजामुद्दीन औलिया के चार शिष्य, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो अगले संत वैभव देख लेते हैं। आगे दोस्तों शेख सलीम चिश्ती, इनको उपाधि मिली थी शेख उल हिंद की। किसकी उपाधि मिली थी दोस्तों इन्हें? शेख उल हिंद की इन्हें उपाधि मिली थी। इन्हें शेख सलीम चिश्ती को दोस्तों उपाधि मिली थी शेख उल हिंद की, है ना। और इनकी खानकाह थी फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को दोस्तों इन्हें अपनी खानकाह के रूप में स्थापित किया। किसने? शेख सलीम चिश्ती ने। और उपाधि क्या मिली थी? शेख उल हिंद की इन्हें उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो ये थी हमारे शेख सलीम
चिश्ती के बारे में जानकारी जो कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब दोस्तों जो चिश्ती जो सिलसिला है मतलब जो चिश्ती संप्रदाय है वो कंप्लीट हो गया है। हमने देखा चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे है ना वो आपको चिश्ती संप्रदाय समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों अब जो दूसरा सिलसिला है वह भी देख लेते हैं आगे दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिला। तो यह दूसरा सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला है। चिश्ती सिलसिले के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला है मतलब कि सूफी संप्रदाय है दोस्तों है ना। और सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना भारत के बाहर स्थापना शेख जियाउद्दीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत के बाहर स्थापना किसने की थी सुहरावर्दी सिलसिले की? शेख जियाउद्दीन के द्वारा की गई थी है ना। और भारत में तो भारत में दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी। बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना भारत में की गई थी और शेख जियाउद्दीन के द्वारा सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना भारत के बाहर की गई थी दोस्तों। बहाउद्दीन जकारिया का केंद्र था मुल्तान। क्या केंद्र था? मुल्तान दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया का केंद्र था। और इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया। क्या दिया? पद। किसे? बहाउद्दीन जकारिया को पद दिया। किसका? शेख उल इस्लाम का पद दिया दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने दोस्तों। और इल्तुतमिश के काल में दोस्तों जो सुहरावर्दी सिलसिला था वह दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। एक भाग मुल्तान दूसरा उच्च। तो समझ में आ गया कि दूसरा सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला है और भारत के बाहर इसकी स्थापना शेख जियाउद्दीन के द्वारा की गई थी और भारत के अंदर बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी। इनका केंद्र था मुल्तान और इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया था बहाउद्दीन जकारिया को। और इल्तुतमिश के काल में दो भागों में बांट दिया गया इसे बट गया जो सुहरावर्दी सिलसिला है दो भागों में बट गया। एक भाग कहलाए मुल्तान दूसरा भाग कहलाए दोस्तों उच्च। मुल्तान की कन्यात्व दोस्तों शेख सदरुद्दीन ने किया और उच्च का किस नेतृत्व दोस्तों शेख रुकनुद्दीन ने किया दोस्तों। तो इसे दो भागों में बट गया मुल्तान और उच्च। तो ये था दोस्तों हमारा सुहरावर्दी सिलसिला जो कि कंप्लीट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा सुहरावर्दी सिलसिला। तो दोस्तों अब जो पहला और दूसरा सिलसिला हो चुका है चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला हो चुका है दोस्तों दो सिलसिले हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जो तीसरा संप्रदाय वह भी देख लेते हैं आगे दोस्तों कादरी संप्रदाय। तो दोस्तों कादरी संप्रदाय की स्थापना भारत के बाहर स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। किसने की थी? भारत के बाहर स्थापना किसने की थी? अब्दुल कादिर जिलानी ने दोस्तों कादरी संप्रदाय की स्थापना भारत के बाहर की थी है ना। और अब्दुल कादिर जिलानी को दो उपाधि दी गई थी एक पीरान ए पीर की और एक महबूब ए सुबानी की। पीरान ए पीर का मतलब होता है संतों का संत। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि संतों का संत किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी को संतों का संत कहते हैं। इन्हें यह उपाधि मिली थी पिराने पीर की संतों का संत की है ना। तो भारत के बाहर स्थापना किसने की? अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय की स्थापना भारत के बाहर की थी। परंतु भारत में किसने की थी है ना।
तो दोस्तों भारत में सैयद मखदूम जिलानी ने कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी, कहाँ? भारत में, है ना। और सैयद मखदूम जिलानी का केंद्र था उच्च, इनका केंद्र था उच्च सिंधु में है, वहीं ये केंद्र था सैयद मखदूम जिलानी का। और दोस्तों कादरी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत है, क्या एक प्रसिद्ध संत है, जिनका नाम है मियां मीर। उनका नाम क्या है? मियां मीर। तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन से हैं और वह प्रसिद्ध क्यों हुए, है ना। तो प्रसिद्ध संत है मियां मीर, प्रसिद्ध क्यों हुए? स्वर्ण मंदिर की इन्होंने नींव रखी थी, इसलिए यह कादरी संप्रदाय में प्रसिद्ध हुए। और एक और है दारा सिको है, ये कादरी संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या थे? कादरी संप्रदाय के अनुयायी थे दोस्तों दारा सिको है, है ना। और दारा सिको है ने दो पुस्तकें लिखी थी, एक सकिंत उल ओलिया और एक सफिंत उल ओलिया। ये दोनों पुस्तकें दारा सिकोहे ने लिखी थी। और दारा सिकोहे ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। क्या किया था? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उपनिषदों का अनुवाद किया, उन्हें सिर ए अकबर कहा गया। क्या कहा गया? सिर एक बार कहा गया। तो ये था हमारे दोस्तों कादरी संप्रदाय की भारत के बाहर स्थापना किसने की? अब्दुल कादिर जिलानी ने। उपाधि ने पिराने पीर और महबूब ए सुबानी की मिली। भारत में स्थापना सैयद मखदूम जिलानी की, इनका केंद्र उच्च था। प्रसिद्ध संत मियां मीर, इन्होंने स्वर मंदिर की नींव रखी। और दारा सिको है, ये कादरी संप्रदाय के अनुयायी थे। सकिंत उल ओलिया और सफेद उल ओलिया दो पुस्तकें लिखी इन्होंने। और उपनिषदों का इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया। और सिर ए अकबर जिन्हें जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था उन्हें सिर ए अकबर कहा गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कादरी संप्रदाय, है ना। तो हमारे तीन संप्रदाय हो चुके हैं, मतलब कि तीन सिलसिले हो चुके हैं, पहला दूसरा और तीसरा। अब जो चौथा और जो पांचवा बचा है वह भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों सत्तारी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों भारत में शेख अब्दुल सत्तार ने की थी। किसने की थी? भारत में इसकी स्थापना शेख अब्दुल सत्तार ने की थी दोस्तों। और एक बात तो यहाँ दोस्तों, सत्तारी संप्रदाय के जो लोग थे वह हिंदू मुस्लिम एकता को मानते थे। क्या होते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया उन्होंने सत्तारी संप्रदाय के लोगों ने। और सत्तारी संप्रदाय के लोगों का केंद्र था बंगाल। क्या था? केंद्र इनका बंगाल था। तो भारत में इसकी स्थापना शेख अब्दुल सत्तार ने की, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और इनका केंद्र बंगाल में था। ये था हमारा सत्तारी संप्रदाय। अब पांचवा संप्रदाय आता है नक्शबंदी संप्रदाय, लास्ट संप्रदाय ये है, है ना दोस्तों। तो नक्शबंदी संप्रदाय के जो लोग थे दोस्तों वह सर्वाधिक कट्टरवादी थे। क्या थे? सर्वाधिक कट्टरवादी थे। और भारत के बाहर इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की। और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की। किसने? ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने भारत में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह का केंद्र था कश्मीर। क्या था? इनका केंद्र कश्मीर था दोस्तों। और ये दोस्तों संगीत के घोर विरोधी थे। क्या थे? संगीत के विरोधी थे। और बहाउद्दीन नक्शबंदी ने नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना भारत के बाहर की। और ये सर्वाधिक कट्टरवादी थे। तो ये था हमारा नक्शबंदी संप्रदाय जो कि कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको समझ में तो आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, और जो हमारा टॉपिक था भक्ति और सुप्रियांदन वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो आपको कल ही पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल का वीडियो देखने ही भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आज के वीडियो अच्छा लगने लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और लाइक करना, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।